पूरा निशान ला लवो। يقولون عن الإسلام ظلما بأنه يسد ذويه عن طريق التقدم، فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عصرها المتقدم؟ وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلم؟ والله أنتم لستم إرهابيين. बोलेगा आईना, आओ हमारे सामने, हम सच बताएंगे। आदाब, मैं कुंवर शहजाद। आज सुबह एक पोस्टर वायरल हुआ सिलमपुर विधानसभा से। वहाँ के एमएलए साहब ने पोस्टर निकाला कि मरकज का खुला हुआ है ताला। ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई और हमसे रहा नहीं गया और हम मरकज आ पहुँचे। जब यहाँ मरकज हम पहुँचे तो मरकज में हमने ताला लगा पाया। मरकज यहाँ पे हमने मुकामी हजरात से बात करी, मुकामी लोगों से बात करी, उनका यही कहना है यहाँ का ताला अभी तक खुला ही नहीं। एक साल हो चुका है मरकज जाना जाता है, जमात यहाँ से जाती हैं और बाहर से जमातें आती हैं। हैरत की बात यह है कि दूसरी स्टेट से जमात जा रही हैं, दूसरी कंट्री से जमातें जा रही हैं, लेकिन मरकज के अंदर जमातों की आने की इजाज़त नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है। इस तरह की झूठी अफवाह क्यों फैलाई गई? एक झूठा आरोप लगाकर आप केस करते हैं और अब आप झूठी अफवाह फैलाते हैं। जिस तरीके की रणनीति आप बना रहे हैं और लोगों को झूठ बोल बोल के आप काम कर रहे हैं, ये सच सबके सामने आएगा। और जिस तरीके से केजरीवाल जी ने झूठी बात के ऊपर FIR दर्ज कराई, उसी तरीके से आपने भी झूठ फैलाने का काम किया है। मौलाना साहब को मरकज के फेवर में आप आ तो ना सके, लेकिन मरकज खोलने की झूठी अफवाह आप फैलाने में कामयाब होने की कोशिश करी आपने, जो बहुत ही गलत है। हम यहाँ पर अपने साथी से पूछते हैं, भाई मरकज खुला हुआ है या बंद है? बंद। मरकज बंद है। आज तारीख क्या है भाई? आज हो गई है 2 तारीख। हैं? 2 तारीख। 2 जनवरी, फरवरी, 2 फरवरी, 2 फरवरी की तारीख है और मरकज बंद है। चाचा मरकज अभी खुला है बंद है? बंद है जी। 8 तारीख क्या है चाचा? 2 तारीख, 2 फरवरी। आपके सामने सच सामने है और झूठ आपको पता है और इस बात का हम खंडन करते हैं और हम उनसे बोलेंगे कि इस बात के लिए वो जनता से माफी मांगे।